नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोवे सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूम्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये दुनिया में हजारों लोग कोई सफल हो पाते हैं और कोई सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे हम सब विद्यार्थी है, बहुत मेहनत करते हैं परीक्षा के टाइम, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, परंतु उसमें से कुछ ही अच्छे मार्क्स ला पाते हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं परंतु उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। पर ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत तो अपनी पूरी करते, परंतु जो वो मेहनत करते उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण जो है, वो मेहनत करते कर रहे हैं उसी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ भूल हो रहा है, भूल कर रहे हैं। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो हर रोज कई लोग मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं, पंचकल्याणिक आदि धार्मिक गतिविधियों में भी जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी सुखी नहीं हो पाते, सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बल्कि कोई जीव तो इन सब में भी कषाय आदि करते हैं। इसका कारण क्या है? कार्य तो वे सही कर रहे हैं, परंतु वे जो भूल कर रहे हैं उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, जो इस संसार का कारण है। और अगर इस भूल को पहचान लेंगे तो पूर्ण सुखी हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप संसार से मुक्ति को पा लेंगे। तो आज हम इन्हीं भूल के बारे में समझेंगे, जो सात प्रकार की होती है, जिन्हें हम सात तत्व संबंधी भूल भी कहते हैं। जो आज का हमारा विषय है, सात तत्व संबंधी भूल, अगर हम देखें तो लोग की भूल है प्रत्येक तत्व की एक भूल है। जैसे जीव तत्व, अजीव तत्व, आस्था तत्व आदि सभी तत्व की प्रत्येक भूल है। कई लोग ऐसा भी समझते हैं इन भूलों से क्या ही हो सकता है, इसीलिए लोग सिर्फ सात तत्वों को ही समझते हैं, उनका चिंतन करते हैं, परंतु सात तत्व संबंधी भूल को बहुत कम लोग ही समझते हैं। पर यह कोई छोटी भूल थोड़ी ना है, जो हमारे सम्यक दर्शन में बाधित हो, वो छोटी भूल कैसे होती है? अर्थात जो सात तत्व नहीं समझते हैं वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम आज के विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जीव तत्व संबंधी भूल पर बढ़ते हैं। सबके मन में एक प्रश्न अवश्य आया होगा, हम जीव और अजीव की भूल साथ में रख रहे हैं और अलग अलग भी तो कर सकते हैं। सात तत्व होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। तत्वार सूत्र में भी कहा जीवाजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्षास तत्वम। ऐसा तो है नहीं कि हम संवर, मोक्ष, आश्रव, निर्जरा ऐसे बोले, परंतु हम जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल को एक साथ ही क्यों लेते? इन्हें साथ लेने का तात्पर्य यह है कि जो जीव भूल करता है वह अजीव को अपना मानकर ही करता है, इसीलिए इनको साथ लिया है। जीव तत्व का संबंध सीधा अजीव तत्व से होता है और अजीव तत्व का संबंध सीधा जीव तत्व से होता है। यह जीव मोह है जीव के प्रति, यह जीव को मोह है अजीव के प्रति। वह तो इसकी भूल है जो है अपना स्वभाव भूलकर, जो ज्ञान दर्शन है, मतलब जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, वह उसको भूलकर इसके अलावा शरीर को सुंदर बनाने में ही लगा रहता है, शरीर पर ही ज़्यादा ध्यान देता है।
यह भूल जाता है कि यह शरीर आज है और कल पता नहीं है या नहीं। तथा शरीर ही शरीर की हानि में अपनी हानि मान लेता है और शरीर की जन्म मरण में ही अपना जन्म मरण मान लेता है। यह तो है जीव मान लेता है तथा दूसरों के कहने पर खुद दुखी हो बैठता है, यह दुखी होता है। यही है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना। जैसे अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से जाने तो किसी को घड़ी के प्रति, किसी को गाड़ी के प्रति ऐसा मोह रहता है। अभी गाड़ी वह चला रहा है और गाड़ी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट में किसी ने मतलब स्क्रैच आ गया, कुछ हो गया, तो वह दुखी होता रहता है तथा वही अपने वह ऐसा समझ बैठता है कि यह गाड़ी में अपनापन मान बैठता है। यह जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। तथा दौलत राम जी भी अपने छड़ाला नामक ग्रंथ में लिखते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। यह हो गई अजीव तत्व संबंधी भूल। और जीव तत्व संबंधी भूल को समझाते हुए लिखते हैं, पुद्गलन व धर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल, ताकून जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। अब हम बढ़ते दूसरे तत्व संबंधी भूल, तीसरे तत्व संबंधी भूल की ओर, जो है आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो दौलत राम जी अपने छड़ाला नामक ग्रंथ में कहते हैं, तास ब्रह्मन की है बहु कथा, पै कच कहू कही मुनिया था। अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष रूपी कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। अब आश्रव तो हमने समझा कि आत्मा में मोह राग द्वेष रूपी कर्मों का आना, सो आश्रव। अब आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? यह जीव हर दिन कर्म ही करता है। यह जीव हर दिन कर्म करता है, अपशब्द बोलता है, लड़ाई झगड़ा आदि सब करता है, तो विकारी भाव प्रकट होते हैं। तो इससे विकारी भाव प्रकट होते हैं, इनका सेवन करता है। अशुभ राग तो सुख को देने वाला है, उसी से पुण्यबंध होगा। उसे पता भी है कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी संसार में ही सुख को सुख मानता है, कर्म करता है। और जो शुभ अशुभ जो शुभाशुभ राग है दुख को देने वाले हैं, उसे सुख कर मानता है। यही इसकी आश्रय तत्व संबंधी भूल है। कैसे करता है? यह समझता है जो शुभ राग ही सुखदायक है, बाकी सब दुखदायक है। वैराग्य भावना में भी पंडित भूदर्श दास जी कहते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करके संयम सो अनुरागे। जब यह जीव कर्मों में सुख मानने लगता है तो आश्रय तत्व संबंधी भूल करता है। इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो जैसे कोई सेठ का आज धंधा बहुत अच्छा हो गया, मतलब एक महीने का मुनाफा एक ही दिन में हो गया, ये हो गया उसका शुभ कर्म। तथा वो पैसे लेके घर जा रहा हो, तथा घर जाते जाते उसको दो लुटेरे मिल गए, उन लुटेरों ने उसको लूट लिया, ये हो गया उसका अशुभ कर्म का उदय। अब हम बढ़ते चौथे तत्व संबंधी भूल जो है संवर तत्व संबंधी भूल। तो आत्मा संवर किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो आत्मा का कर्म में आना और रुक जाना, ये संवर तत्व संबंधी भूल। आत्मा का सच्चा ज्ञान करना और अकेला ज्ञान ही करना आत्मज्ञान सहित वैराग्य संवर है। और यह आत्मा को सुखी करने वाला है, परंतु यह जीव ऐसा नहीं मानता, वह इनमें कष्टदायी मानता है। साफ साफ तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति बंधदायक है, ऐसा मानता है इसका कारण पता है क्या है? इसे पता ही नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमय होती है। इसे कष्ट तो रंच मात्र भी नहीं है, यही इसकी गलती है। इसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करने देती है और
अगर ये जीव इसे आनंदमय माने तो क्या क्या ही कहना, बस उन्हें कष्ट देने वाला मानना ही कौन सी भूल, समवर तत्व संबंधी भूल है इसकी। यह जीव आत्मा में सुख नहीं मानता जबकि इसको पता है आत्मा में ही सुख है। दिन रात वो जपता भी है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। मान लिया आत्मा में सुख है तो मार्ग क्या है सुखी होने का, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्म का ज्ञान आत्म का रस पीजिए। जितना विचार करेंगे उतना आत्मा के करीब जाएगा। अब बंध तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी भूल अर्थात बंध क्या है, कर्मों का आना और शरीर में बंध जाना, तो इसे कहते हैं बंध तत्व संबंधी भूल। यह जीव है जो शुभ कर्म करता है उसके फल राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों से हम लोग सामग्री की प्राप्ति होगी और वो भी दुखमय है, सुखमय नहीं है। अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्म संसार का कारण है, हानिकारक और मोक्ष की प्राप्ति भी इन कर्मों के नाश से ही होती है। यह ना जानकर बंद तत्व से संबंध भूल करता है। उदाहरण अगर देखें समय सार में भी आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जैसे आचार्य भी कहते हैं कि पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है, पर है तो दोनों जकड़ने वाली। उसी प्रकार शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, वे है तो दोनों कर्म ही संसार में उलझाने वाले हैं। यह मानता है यह कर्म सुख को देने वाले हैं और इनमें राग बुद्धि करना ही बंध तत्व संबंधी भूल है। जैसे अगर देखें तो बचपन जवानी बूढ़ापे बेटा वह सब यही सोच रहे होंगे इच्छा होती क्यों है, क्योंकि यह जीव आत्मा का स्वभाव भूल गया है। अब हम अंतिम तत्व संबंधी भूल जानते हैं, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। हमने अभी छह तत्व संबंधी भूल तो देख ली, जीव अजीव आश्रव बंध और संवर, ये छह तत्व संबंधी भूल, निर्जरा, ये हमने छह तत्व संबंधी भूल तो देख ली। पर यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है, मोक्ष तो पूर्ण सुखी होने का नाम है, तो इसे समझते हैं जीव संसारी सुख को ही मोक्ष के समान मानता है। जैसे सुख संसार में है वैसा सुख मोक्ष में होगा, अर्थात जो सुख वह संसार में देखता है, जो सुख उसको संसार में दिखता है वही सुख वो मोक्ष में जानता है। जैसे विषय भोग आदि का सुख वह मोक्ष में जानता है। आप बताइए आप संसार में सुखी है, आप कोई संसार में सुखी है नहीं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गर्मी है पंखा चालू कर दो, ठंड है हीटर चालू कर दो। परंतु अगर वही हीटर हम गर्मी में चालू कर दे तो उससे द्वेष भाव करेगा और वही पंखा हम ठंड में चालू कर दे तो उसके प्रति उसको द्वेष भाव आएगा। तथा यह भी हमें सुखदायक देने वाला नहीं है और यह सुख नहीं है, यह सुखाभास है, मात्र कुछ समय के लिए ही रहता है। परंतु मोक्ष का जो सुख है वो ऐसा नहीं है, वो अनुभव गम्य है। ऐसे नहीं बता सकते हैं कि वह जो जाता है उसे ही पाता है। कैसे, कैसा सुख, बस यह समझ लीजिए जो तीर्थंकर देव है वह विराजमान हुए वे कैसे सुख का अनुभव करते रहे। तथा हमने देखे कि सिद्ध भी बहुत सुखी होते हैं। सिद्ध भी हम देखते कि हमें क्या जाना है, मोक्ष मार्ग में जाना है। परंतु इसको अगर हम इसको ही संसार का जाने तो संसार में क्या है, दुख है, तो इसका भी यही हो गया कि इसका अर्थ भी यही हो गया कि संसार में दुख है तो मोक्ष में भी दुख ही होगा। परंतु हमें
हर जगह क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष में जाना है, हम मोक्ष जाए ये सब। अब हमारा एक तत्व संबंधी भूल छूट गया जो है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, निर्जरा अर्थात इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है। अब इसका इसकी भूल क्या है, यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जब आत्मा आत्मपूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है और वही आनंदमय, पर यह जीव भी बहुत इच्छा करता है। जहाँ शांति से आनंद मिलता है वह बिल्कुल प्रयास नहीं करता तथा प्रयास नहीं करेगा आनंदमय मानता ही नहीं है। क्या करता है, आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है। अर्थात सिर्फ जो लौकिक दृष्टि से सुख प्रदान करते हैं उनमें सुख मानता है, अर्थात लौकिक दृष्टि को ही सुख मानता है, धर्म आदि में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको यह सब कष्टदायी लगता है, सुख मानता है। उसे यह भी पता है कि कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, पर तो भी इसी में ही सुख मानता है और इच्छाओं की पूर्ति वे सिर्फ भोग सामग्री के लिए ही करता है। वह इच्छाओं की पूर्ति सिर्फ भोग सामग्री के लिए करता है जो टेम्परेरी है। इसमें सुखी होना होता रहेगा और खुश होता है। और जो आत्मज्ञान करके सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है और जो हमेशा रहेगा परमानेंट है और इच्छाओं के अभाव को सुख नहीं मानता है, यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। वीतराग भावरूप तप को जो जानता नहीं है, बाह्य क्रिया में ही लीन रहता है। कहा भी जाता है, मैं यह इच्छा का दमन न हो तो चारित्र में शिव गमन नहीं। अर्थात चारित्र से शिव गमन नहीं रहे। अर्थात अगर हमारा इच्छाओं से ध्यान ही नहीं हटेगा तो हम मोक्ष के लिए गमन ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरफ पाप का पाला धरा हुआ है उसी तरफ मोक्ष का पाला धस रहा है। अतः हमने अभी मोक्ष तत्व संबंधी भूल तो समझ लिया। अब हम भी उन्हीं जैसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सुख कैसे प्राप्त हो, इन सभी तत्वों की भूल समझकर तथा सात तत्व को भी समझकर और हम भी जब तक इन सातों तत्व संबंधी भूल को निकाले तब तक सच्चा सुख का मार्ग प्राप्त ही नहीं होगा। तथा हम भी सात तत्व संबंधी भूल को समझें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।